बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं वो है फंक्शनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर जो हमने आज टॉपिक कवर करना है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर जिस तरह आर्टरीज एंड कैपिलरीज, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए सारी सारी आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड वेन्स जो है वो फैली हुई है, इसी तरह एक नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है, एक नेटवर्क ऑफ टिश्यू होता है जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स या आपके वायरसेस या बैक्टीरिया, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए उससे आपकी बॉडी को जो है वो डिफेंड करती है। और क्या करती है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि ऊज आउट करके आपकी कैपिलरीज से बाहर आ जाता है और आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ये वहाँ से भी उसको ड्रेन करते हैं और क्या कहते हैं दोबारा से इसको सर्कुलेशन का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को हार्ट का जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रो दिया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को मतलब नाम नहीं बताए थे कि कौन सी जो है वो हमारे पास कौन सी आर्टरी और कौन सी जो है वो कलेक्ट करके ला रही है और किस तरह। तो अगर हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें तो मैंने ये हार्ट के चैम्बर बनाए थे, ठीक है। ये हमारे पास राइट एट्रियम था, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा, अब आपकी जो अपर बॉडी है ना उससे जो बॉडी ब्लड कलेक्ट करके लाती है ना हमारे पास उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। और जो लोअर बॉडी से कलेक्ट करके लाती है ना सारा ब्लड उसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा, वेन होती है, ठीक है। सिस्टेमिक, मैंने बोला था ना सिस्टेमिक वेन है, तो वो हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टेमिक वेन्स है वो ये वाली हैं, अपर बॉडी से यानी आपकी हेड फेस वगैरह जो है, हार्ट से जो है ऊपर के लेवल के ऊपर जो चीज़ है वो सारी वो जो कलेक्ट करके ला रही है वो आपकी सुपीरियर वेना कैवा होती है, और आपकी लोअर लिम थोरैक्स एब्डोमेन वहाँ से जो कलेक्ट करके लेके आ रही होती है वो आपकी इन्फीरियर वेना कैवा है जो कि आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कस्पिड वॉल्व होते हैं वो, फिर यहाँ से जो है मैंने आपको बताया था पल्मोनरी वॉल्व होता है जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में जाता है। लंग्स के बाद यहाँ पे लंग से दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके जो आपके पल्मोनरी वेन है उसके थ्रू राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से यहाँ से कस्पिड से आपके राइट वेंट्रिकल में आता है, और ये जो है जो आपके दोबारा से बॉडी की तरफ लेके जाता है, ये वाली जो हमारे पास होती है आर्टरी इसका नाम होता है एओर्टा, ठीक है, समझ आ गई है। और ये इस तरह जो है वो सर्कुलेशन जो है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये मतलब सुपीरियर वेना कैवा इन्फीरियर वेना कैवा जो है उसके बारे में नहीं बताया था, एओर्टा के बारे में नहीं बताया था, तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो उसका उसको कवर कर दूँगी। तो ये सारा जो है वो हमारे पास इस तरह सर्कुलेशन जो है वो होती है। अब इसी तरह जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो है वो सारी की सारी आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज का नेटवर्क फैला हुआ है, इसी तरह आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी आपके इसी तरह की वेसल्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर फैला हुआ है, और इसके अंदर जो हमारे पास उन वेसल्स हैं उनको हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक्स, ठीक है, या लिम्फॉइड्स, ठीक हो गया, लिम्फेटिक्स कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं लिम्फॉइड्स। अब क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, डिपेंड करता है कि कैपिलरी उस ऑर्गन की तरफ जा रही है कि वहाँ से ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। तो हमारे कहने का मकसद है कि लिम्फेटिक सिस्टम के जो लिम्फेटिक्स हैं उनके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो हमारे पास फ्लूइड होता है ना उसको कहते हैं हम लिम्फ, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे ये ऑर्गन्स हैं जो कि मेनली इन्वॉल्व हैं इसके लिम्फ को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको उसमें हमारे पास आ जाता है स्प्लीन प्लस लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर मैं
एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊं। तो आपकी जो यहाँ पे आपने देखे टॉन्सल्स होते हैं, टॉन्सल्स भी जो है वो हमारे पास लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है। वो जब उनकी इन्फेक्शन हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो फिर वो हमारे पास पेन करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोग कहते हैं कि अच्छा भाई इसके टॉन्सल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर गए हैं, पेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका क्या फंक्शन है, टू फाइट अगेंस्ट सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं। Get rid of toxin materials. अब जैसे कैपिलरीज और उसका फैला हुआ है आपके पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क, इसी तरह इसकी भी जो है वो सारी की सारी ब्रांचेज जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, ठीक है। इस तरह करके कहीं कहीं पे ये नोड्स की फॉर्म में आ जाती हैं, जैसे आपकी आर्मपिट्स के नीचे आ गया, आपकी नेक के अंदर आ गया, आपके यहाँ पे ग्रोइन रीजन के अंदर आ जाती हैं, आपके यहाँ पे स्प्लीन के पास आ जाती हैं, हार्ट के पास आ जाती हैं, लंग्स के पास आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हर जगह लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है कि अपने करीबी तरीन उधर से इकट्ठा करके लिम्फ जो है वो अगर ओज आउट होकर बाहर आ जाए तो उसको वापस लिम्फ नोड्स में करती हैं, वो दोबारा से फिर सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। अब क्या लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारे पास अपना एक्शन परफॉर्म किस तरह करता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसके क्या दो फंक्शन बताए, एक तो ये फाइट करता है इसके अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये प्लाज्मा को जो कि ऊज आउट करके बाहर आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जिसमें आ जाता है तो वो वहाँ से उसे कलेक्ट करके दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में ड्रेन कर देता है। अब ये प्लाज्मा ऊज आउट करके बाहर कैसे आया है? आपकी जो कैपिलरीज होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, उसकी एक लेयर होती है, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ी हल्की हल्की जो है वो स्पेसेस होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ब्लड अगर पीछे से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आए, एक्स्ट्रा प्रेशर उसका हो, तो वो ब्लड जब इसमें जा रहा होता है तो इसके पास देखिए रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं और जो सेल्स होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, ब्लड जो है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा एंड सेल्स। अब जो ये जो सेल्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा तो हमारे पास वाटर लिक्विड ही कंसिस्टेंसी में होता है, तो ये हमारे पास इधर से ऊज आउट करके बाहर आ जाता है। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। अब अगर ये यहाँ पे पड़ा रहेगा प्लाज्मा तो ये फिर हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो अब वाटरी फ्लूइड खड़ा हो गया, वहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है, उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। तो हमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इकट्ठे नहीं होने देना है इस फ्लूइड को, प्लाज्मा को। तो फिर यहाँ पे हमारे पास लिम्फेटिक्स की वो भी आ रही होती हैं, ये इस प्लाज्मा को जो है वो करती हैं और अपने करीबी लिम्फ नोड्स के पास जाकर ड्रेन कर देती हैं, फिर लिम्फ नोड्स जो है उसे दोबारा से ब्लड का हिस्सा बना देते हैं, ठीक है। इस तरह करके जो है हमारे पास फंक्शन होता है। ये हमारे पास प्लाज्मा को हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसका दूसरा वाला जो एक्शन है जो कि है डिफेंस का। अब क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास अल्लाह ताला ने ऑर्गन बनाया हुआ है हमारा स्प्लीन, ब्लड उसके अंदर से जो है वो गुजर के पूरी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। अब जो स्प्लीन ऑर्गन है ना हमारा, वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है आपके ब्लड के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट, वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट और प्लेटलेट्स की अमाउंट, ठीक है। इन सारी जो ब्लड सेल्स हैं उनकी अमाउंट को जो है वो आपकी स्प्लीन कंट्रोल करता है। अब जब स्प्लीन जो है वो डिटेक्ट करता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गई है, ठीक है,
वो कोई भी वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो वो क्या करता है, वो अलॉन्ग विद लिम्फ स्प्लीन क्या करेगा कि वो विद द हेल्प ऑफ लिम्फ हमारे पास प्रोड्यूस करेगा वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास बनाएंगे वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। ऐसे ही है ना, हम लिम्फोसाइट्स ही कहते हैं ना इनको, क्योंकि ये लिम्फ से बनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब ये वाले जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसको फिर हम लोग कहाँ पे भेज देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। और इस तरह ये जहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जहाँ से एंटर हो रहे होते हैं वहाँ पे जाके फटाफट, क्योंकि ब्लड तो अभी पूरी बॉडी में जा रहा होता है ना, तो वो ये फटाफट जो है वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं और जो है अगेंस्ट द फॉरेन एंटिटी जो है फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है इनका, और ये फिर आपकी बॉडी को जो है वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सारा हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना ये काम करता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम था, उसका इंट्रो था, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो तो आपने मुझे बताना है, फिर हम उसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, ये आपके पास फ्लूइड इसके अंदर रन करता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास स्प्लीन और लिम्फ नोड्स है। ये हमारे पास फाइट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट और टॉक्सिन मटीरियल्स को गेट रिड कराता है आपकी बॉडी से। और इसके अलावा दूसरा, ये दोनों जो हैं ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आपका प्लाज्मा ऊज आउट होकर बाहर निकल आता है, उसको भी ये दोबारा से कलेक्ट करके जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। बुक में आप देख लीजिएगा, बुक में अगर कुछ इससे एक्स्ट्रा कुछ है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।